तो किस तरीके से आप एक ऐप क्रिएट कर कर अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं आज मैं आपको बताऊंगा। सो गाइस, बिना कोडिंग की नॉलेज के ऐप क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है और आपको यह डिसाइड करना है कि आप किस टॉपिक के ऊपर अपनी ऐप बनाना चाहते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिल जाते हैं, मान लो आप हेल्थ केयर पर अपनी ऐप बना सकते हैं, स्टेप काउंटर ऐप बना सकते हैं, LIC कैलकुलेटर हुआ, सिंपल कैलकुलेटर हुआ, या किसी भी टाइप का कैलकुलेटर हुआ, गेमिंग ऐप हुआ, बहुत सारे आइडियाज़ आपको मिल जाते हैं। ओनली आपको ब्रेनस्टॉर्म करना है, आपको यह चूज़ करना है कि आप किस टाइप की ऐप बनाना चाहते हैं। एक बार आप चूज़ कर लें कि आपको ऐसी ऐप बनाना है, उसके बाद आपको यहाँ पर वीडियो मेंशन सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। जैसे कि इस वीडियो में हम यहाँ पर एग्जांपल लेने वाले स्केच बुक ऐप का। बच्चे होते हैं ना जो स्केच वगैरह करते हैं कलर वगैरह से, उस टाइप की ऐप हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर डिसाइड कर लिया है कि हम यहाँ पर स्केच बुक ऐप क्रिएट करने वाले हैं। अब आपको कैसे स्केच बुक ऐप क्रिएट करना है मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो स्केच बुक ऐप क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर कोड्स को जनरेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर तीन टूल्स का यूज़ करने वाला हूँ। पहले टूल का नाम है डीप सिक, इसके माध्यम से हम अपने कोड क्रिएट करेंगे। दूसरे टूल का नाम है चैट जीपीटी, इसके माध्यम से भी हम अपने कोड्स क्रिएट करेंगे। और तीसरे टूल का नाम है Grok 3 AI, इसके माध्यम से भी हम यहाँ पर कोड्स क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ पर तीनों के माध्यम से कोड्स इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर यह चेक करना चाहता हूँ कि तीनों में से कौन सी वेबसाइट यहाँ पर बेस्ट है जिसके माध्यम से हम यहाँ पर अपने कोड्स बना सके और एक अच्छी ऐप क्रिएट कर सके। तीनों वेबसाइट का कंपैरिजन यहाँ पर हो जाएगा और आपको यहाँ पर आइडिया भी मिल जाएगा कौन सी ऐप से आपको यहाँ पर अपने कोड्स बनाने हैं ताकि आप यहाँ पर प्रोफेशनल ऐप क्रिएट कर सकें। जैसे कि पहले हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेने वाले डीप सिक का। तो सिंपली आपको जाना है डीप सिक के ऊपर और इसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। जैसे आप डीप सिक के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर लें, उसके बाद आपको यहाँ पर आना है स्टार्ट नाउ, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू पेज आएगा एंड यहाँ पर आपको मैसेज का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर अपनी प्रॉम्प्ट टाइप कर देना है और प्रॉम्प्ट मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको वहाँ पर बनी बनाई प्रॉम्प्ट मिल जाए। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर अपनी प्रॉम्प्ट बना रखा है, तो यहाँ से मैं अपनी प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लूँगा। अगेन मैं डीप सिक के ऊपर जाऊँगा, यहाँ पर मैं अपनी प्रॉम्प्ट को कॉपी एंड पेस्ट करूँगा, देन सेंड इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। देन यहाँ पर हमारा डीप सिक क्या करेगा, वर्क करना स्टार्ट कर देगा एंड यहाँ पर हमें कोड्स बना कर दे देगा। सेम इसी तरीके से मैं चैट जीपीटी पर जाऊंगा, इसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, यहाँ पर भी हम अपनी प्रॉम्प्ट को कॉपी एंड पेस्ट करेंगे, देन सेंड इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब चैट जीपीटी भी यहाँ पर वर्क करना स्टार्ट कर देगा और आपको यहाँ पर कोर्स बना कर दे देगा। तीसरा हम यहाँ पर ग्रुप के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर हम थिंक इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, इस प्रकार से थिंक पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर भी हम अपने कोड्स को कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे, मीन्स यहाँ पर प्रॉम्प्ट को कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे, देन सेंड इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब ग्रुक भी यहाँ पर वर्क करना स्टार्ट कर देगा और तीनों के माध्यम से हमें यहाँ पर कोड्स मिल जाएंगे। अब हमें यहाँ पर यह चेक करना है किसने यहाँ पर बेटर कोड्स जनरेट किए हैं। तो पहले मैं डीप सिक के ऊपर जाऊँगा एंड यहाँ पर इसने कोड्स बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ से कोड्स कॉपी कर लूँगा, जैसे कि यहाँ से मैं HTML कोड को कॉपी कर लेता हूँ। और चेक करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं इस टूल का, जिसका नाम क्या है, कोड पैन आयो। इसके माध्यम से आप यहाँ पर यह पता लगा सकते हैं कोड्स आपकी वर्किंग है या नहीं है और आपकी वेबसाइट कैसे नज़र आएगी, मीन्स आपकी ऐप कैसे नज़र आएगी, इस टूल के माध्यम से आप यहाँ पर पता लगा सकते हैं। तो सिंपली आपको इस टूल के ऊपर आना है और इसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लें, उसके बाद आपको यहाँ पर आना है गो मेक वन, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर HTML का ऑप्शन नज़र आएगा, तो यहाँ पर आपको अपनी HTML कोड को कॉपी एंड पेस्ट कर देना है। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ से मैं CSS कोड को कॉपी करूँगा, अगेन यहाँ पर आऊँगा एंड इसको मैं कॉपी एंड पेस्ट कर दूँगा। अगेन मुझे यहाँ पर आना है, यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं अपने JavaScript कोड को कॉपी करूँगा, तो यहाँ से इसको मैंने कॉपी कर लिया है, अगेन हम इसको यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो चुका है, यहाँ पर हमारी कंप्लीट जो भी हमारे यहाँ पर ऐप थी वो बनकर रेडी हो चुकी है एंड यहाँ पर आपको कलर भी नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से मैं कलर लूँगा और इस प्रकार से हम यहाँ पर अपना स्केच वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसने इस टाइप की ऐप का इंटरफेस क्रिएट किया है जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
यहाँ से इसको मैं इरेज भी कर सकता हूँ, इस प्रकार से इरेज कर सकते हैं, एंड यहाँ से आप इसको ड्रैग क्लियर भी कर सकते हैं, और जो भी स्केच आप यहाँ पर क्रिएट करेंगे उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो डीपसिक ने यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमें एक ऐप का इंटरफेस बना कर दिया है। अब मैं यहाँ पर चेक करने वाला हूँ चैट जीपीटी को कि चैट जीपीटी ने यहाँ पर कैसे कोड जनरेट किए हैं और कैसे हमें यहाँ पर एक ऐप बना कर दी है। तो यहाँ से मैं इसके एचटीएमएल कोड को कॉपी कर लूँगा, अगेन मैं जाऊँगा कोड पेन के ऊपर, एचटीएमएल यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट कर दूँगा, अगेन मैं यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ से मैं इसके सीएसएस कोड को कॉपी कर लूँगा, एंड यहाँ पर मैं सीएसएस के अंदर इसको कॉपी एंड पेस्ट कर दूँगा, अगेन मैं यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ से मैं जेएस कोड को कॉपी कर लूँगा, अगेन मैं यहाँ पर आऊँगा और जेएस के अंदर कॉपी एंड पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर इसने कुछ इस टाइप की हमें यहाँ पर एक कलरिंग ऐप बना कर दी है जो कि यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर इसने केवल एक कलर नहीं, काफ़ी कलर दिए हैं। आप जैसे यहाँ से आप इसके कलर को चेंज वगैरह कर सकते हैं, ये कलर मैंने चूज़ कर लिया, इस तरीके से आप यहाँ पर बना सकते हैं। साइज घटाना बढ़ाना है तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसके साइज को घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लो साइज इसका मुझे थोड़ा कम करना है तो यहाँ पर मैं इसका साइज कम भी कर सकता हूँ। कलर चेंज करना है तो जैसे मान लो मुझे रेड कलर रखना है तो यहाँ से मैं थोड़ा रेड चूज़ कर लूँगा, एंड यहाँ से मैं रेड कलर यूज़ कर सकता हूँ। तो इसने भी एक प्रोफेशनल ऐप मुझे बना कर दी है। ओके, अब मैं यहाँ पर चेक करने वाला हूँ ग्रुक थ्री ने हमें यहाँ पर किस टाइप की ऐप बना कर दी है। अगर मैं डीप सिक से चैट जीपीटी कंपेरिजन करूँ तो यहाँ पर चैट जीपीटी ने डीप सिक की तुलना में बेटर ऐप बना कर दी है। अब मैं यहाँ पर ग्रुक थ्री का भी चेक करने वाला हूँ, तो मैं ग्रुक थ्री के ऊपर जाऊँगा, एंड यहाँ से मैं इसके एचटीएमएल कोड जो कि यहाँ पर है इसको मैं कॉपी करने वाला हूँ, इसको मैं यहाँ पर इस प्रकार से कॉपी एंड पेस्ट कर दूंगा, अगेन मैं यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ से इसके सीएसएस कोड को कॉपी कर लूँगा, एंड इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से कॉपी एंड पेस्ट कर दूंगा, इस प्रकार से कॉपी एंड पेस्ट कर दूंगा, एंड यहाँ से मैं इसके जावा कोड को कॉपी करने वाला हूँ, तो यहाँ से मैं जावा स्क्रिप्ट को कॉपी कर लूँगा, एंड इस प्रकार से मैं यहाँ पर इसको कॉपी एंड पेस्ट कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने तीनों कोड्स को कॉपी एंड पेस्ट कर दिया है, एंड यू कैन सी इस प्रकार से इसने हमें यहाँ पर क्या बना कर दिया है, हमें यहाँ पर एक ऐप बना कर दी है। थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है बट देख लेते हैं, यहाँ कलर वगैरह है तो कलर वगैरह मैं यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ, यहाँ से मैं इसके साइज़ को घटा बढ़ा सकता हूँ, इसको मैं इरेज भी कर सकता हूँ, एंड अगर इमेज सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ से इमेज भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, जो भी करना है हम कर सकते हैं यहाँ से, है ना। ओके, एंड यहाँ से इसको मैं क्लियर भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने तीनों टाइप की ऐप का इंटरफेस बना लिया है। ये तो बनाया मेरा ग्रुप थ्री से, एंड दूसरा मैंने आपको यहाँ पर चैट जीपीटी वाला भी दिखा दिया है, एंड डीप सिक वाला भी दिखा दिया है। अब आपको यहाँ पर चूज़ करना है किसने बेटर कोड्स यहाँ पर क्रिएट किए हैं। तो मेरे हिसाब से चैट जीपीटी ने बेटर कोड्स क्रिएट किए हैं, तो इसी का यूज़ कर कर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपनी ऐप क्रिएट करूँगा। तो मैं यहाँ पर चैट जीपीटी का यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं चैट जीपीटी के ऊपर जाऊँगा, यहाँ से मैं कोड्स को कॉपी कर लूँगा, एंड इसको मैं ऐप के रूप में चेंज करूँगा। जैसे कि यहाँ से मैं इसका पहले एचटीएमएल कोड को कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद हमें जाना है अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप के ऊपर, होम पेज के ऊपर, यहाँ पर राइट क्लिक करना है, न्यू इसके ऊपर क्लिक करना है, फोल्डर इसके ऊपर क्लिक करना है, एंड फोल्डर का नेम मैं यहाँ पर दे दूंगा स्केच, स्केच बुक। ओके, एंड अब मैं इसको यहाँ पर ओपन कर लूँगा, इस प्रकार से राइट क्लिक करेंगे, अगेन हम यहाँ पर न्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इसको चूज़ कर लेंगे। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको ओपन कर लूँगा, यहाँ पर मैं अपने कोड्स को कॉपी एंड पेस्ट कर दूँगा, फाइल इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सेव एज इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अगेन हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे इस प्रकार से इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को, अगेन यहाँ पर आएंगे, कॉपी एंड पेस्ट करेंगे, देन सेव इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अगेन आपको यहाँ पर आना है, यहाँ से आपको सी एस एस कोड को कॉपी कर लेना है, अगेन यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट करना है, फाइल इसके ऊपर क्लिक करना है इस प्रकार से, सेव एज इसके ऊपर क्लिक कर देना है, अगेन आपको यहाँ पर आना है, यहाँ से आपको स्टाइल डॉट सी एस एस इसको कॉपी कर लेना है इस तरीके से, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, एंड इसको मैं यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट कर दूंगा, देन सेव इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा बॉटम में जाएंगे, यहाँ से हम जी एस कोड को कॉपी करने वाले हैं, अगेन यहाँ पर आएंगे, कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे, फाइल इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सेव एस इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम स्क्रिप्ट डॉट जी एस इसको कॉपी कर लेंगे, एंड यहाँ पर आएंगे एंड इसको कॉपी एंड पेस्ट करेंगे, देन सेव इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से यहाँ पर मैंने क्या करा है, सारे कोड्स को सेव कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पर आऊँगा, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इसको यहाँ से मैं डिलीट कर दूंगा, एंड यहाँ पर मेरे कोड सेव हो चुके हैं और मेरी ऐप कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई देगी। देखो इस प्रकार से मेरी ऐप यहाँ पर बनकर रेडी हो चुकी है,
एंड इस प्रकार से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर अपना स्केच वगैरह कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरी ऐप कुछ इस प्रकार से बनकर दिखाई देगी। अब मुझे अगेन यहाँ पर आना है, राइट क्लिक करना है, सेंड टू इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ से मुझे कंप्रेस इसको चूज़ करना है, और यहाँ से मुझे इसकी कंप्रेस फाइल को क्रिएट कर लेना है इस प्रकार से, ठीक है। इतना काम आपको कर लेना है। अगेन आपको यहाँ पर आना है, अब आपको इस वेबसाइट के ऊपर जाना है जिसका नाम है tinyhost.com। इसके माध्यम से हम अपनी ऐप को होस्ट करने वाले हैं। सिंपली आपको इसके ऊपर आना है, इसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना है, अपलोड फाइल इसके ऊपर क्लिक करना है, अपलोड फाइल इसके ऊपर क्लिक करना है, डेस्कटॉप के ऊपर जाना है, एंड जहाँ पर भी आपने अपनी जिप फाइल को सेव कर रखा है उसको आपको ओपन कर लेना है। इस प्रकार से यहाँ पर मैंने अपना इसको ओपन कर लिया है। अब आपको यहाँ पर अपनी जो भी आपकी ऐप है उसका नाम रख देना है, जैसे कि मैं अपना नाम रख देता हूँ स्केच बुक, ठीक है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा डैश लगा देता हूँ, ठीक है। देन यहाँ पर आना है पब्लिश, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपकी ऐप यहाँ पर होस्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही आपकी ऐप यहाँ पर होस्ट हो जाए, उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी वेबसाइट, पहले वेबसाइट क्रिएट होगी, उसको आपको ऐप में चेंज करना है। पहले हमने यहाँ पर वेबसाइट क्रिएट की है, उसको हम होस्ट कर रहे हैं, अब उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐप के अंदर चेंज करेंगे। तो पहले यहाँ पर ये होस्ट हो जाए, फिर कैसे उसको ऐप में चेंज करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये क्या हो रही है, होस्ट हो रही है। जब तक ये यहाँ पर होस्ट हो रही है, तब तक आपको इस वेबसाइट के ऊपर जाना है जिसका नाम क्या है, web into app.com। सिंपली आपको इस वेबसाइट के ऊपर आना है, इसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लें, उसके बाद आपको यहाँ पर आना है मेकर, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू पेज आएगा, एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा यूआरएल का। तो जहाँ पर भी आपने अपनी ऐप को होस्ट किया है, जैसे कि यहाँ पर मैंने अपनी ऐप को होस्ट किया है, ओके, यहाँ से आपको आपकी ऐप का जो लिंक होगा यूआरएल लोगो मिल जाएगा, उसको आपको कॉपी करना है, एंड यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट कर देना है। तभी यहाँ पर होस्ट हो रही है। जब तक ये यहाँ पर होस्ट हो रही है, तब तक हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे, एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वर्क करेंगे। तो यहाँ पर आपको पहले अपने यूआरएल को कॉपी करना है यहाँ से, एंड उसको आपको यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट कर देना है। यहाँ पर आपको अपनी ऐप का नेम दे देना है, जैसे कि यहाँ पर मैं नेम दे देता हूँ स्केच बुक, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी कंपनी का नेम दे सकते हैं, इस प्रकार से आपको यहाँ पर नेम दे देना है। पहले मैं एक बार यहाँ पर चेक करता हूँ यह होस्ट हुई है कि नहीं है, तो अगेन मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि पता लग जाए ये होस्ट हुई है या नहीं हुई है। तो अभी तक ये होस्ट नहीं हुई थी, तो अगेन मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, अपलोड फाइल इसके ऊपर क्लिक करूँगा, जिप फाइल इसके ऊपर क्लिक करूँगा, अगेन इसको मैं ओपन करने वाला हूँ, एंड स्केचबुक इसको मैं यहाँ पर चूज़ कर लूँगा, देन पब्लिश इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगेन हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर ये होस्ट हो जाए। एक बार यहाँ पर होस्ट हो जाएगी, उसके बाद ऐप बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो एक बार ये होस्ट हो जाए, फिर कैसे इसको ऐप में चेंज करना है मैं आपको बताऊंगा। ये प्रोसेस तो मैंने आपको बता दिया है। एक बार ये होस्ट हो जाए, फिर उसके बाद आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो एक बार ये होस्ट हो जाए, फिर उसके बाद पूरा प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ओके। तो 1 या 2 मिनट का वेट करना पड़ेगा, और वेबसाइट यहाँ पर क्या हो जाएगी, होस्ट हो जाएगी। जैसे ही आपकी वेबसाइट यहाँ पर होस्ट हो जाएगी, उसके बाद आपको यहाँ पर आना है, यहाँ से आपको इसके यूआरएल को कॉपी करना है, अगेन आपको जाना है वेब इंटू ऐप के अंदर। यहाँ पर आपको क्या करना है, अगेन आपको मेकअप के ऊपर आना है, एंड यहाँ पर आपको ओन एंड यूअर इसको चूज़ करना है। यहाँ पर आपको अपने लिंक को कॉपी एंड पेस्ट करना है, ऐप का नेम दे देना है, जैसे कि नेम यहाँ पर दे दिया था स्केच बुक, उस प्रकार से यहाँ पर मैं इसका नेम दे दूंगा। अगर आप यहाँ पर अपना कंपनी नेम देना चाहते हैं तो उसको भी आप दे सकते हैं। नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक कर देना है, आपको यहाँ पर आना है। अगर आप अपनी ऐप का आइकन सेट करना चाहते हैं तो कैनवा के माध्यम से आपको अपनी ऐप के लिए आइकन क्रिएट कर लेना है, जिसको आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आना है मेकअप, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपकी यहाँ पर ऐप बननी स्टार्ट हो जाएगी, और कुछ ही मिनटों में आपकी ऐप यहाँ पर बन के रेडी हो जाएगी। जैसे ही आपकी ऐप आप यहाँ पर बन के रेडी हो जाए, उसके बाद आपको अपनी ऐप के APK को डाउनलोड कर लेना है, और उसको आपको शेयर करना स्टार्ट कर देना है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अपनी ऐप क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं मोनोटाइजेशन की, कि आप किस तरीके से अपनी ऐप को मोनोटाइज कर सकते हैं, और उसके माध्यम से आप यहाँ पर अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐप को मोनोटाइज करने के लिए आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं गूगल एडमोब या यूनिटी एड्स का। सिंपली आपको अपनी ऐप को यहाँ पर ऐड कर देना है, ऐप के लिए कोड्स क्रिएट करना है, अपनी ऐप के अंदर आपको उनको एम्बेडेड कर देना है, आपकी ऐप यहाँ पर मोनेटाइज जाएगी।
उसके बाद आपको अपनी ऐप को किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर कर देना है या वहाँ पर लिस्ट करवा देना है। आपकी ऐप को इंस्टॉल होंगे, बंदे आपकी ऐप यूज़ करेंगे एंड वहाँ से आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर पाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर एक प्रोफेशनल ऐप क्रिएट कर सकते हैं और ऐप क्रिएट कर कर आप यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी कैसे आपको एक ऐप क्रिएट करना है, वो भी आपको समझना होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मैं आपसे यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के ऊपर कम से कम 100 लाइक्स लेके आएँ ताकि इसी टाइप का ओसम कंटेंट हम आपके साथ शेयर कर पाएँ।